तो दोस्तों फाइनली रियलमी 5 लॉन्च होने वाला है इंडिया में 20 अगस्त को। और दोस्तों स्मार्टफोन का कुछ टीजर और लीक सामने आ गया है और फ्लिपकार्ट पे इसका एक टीजर लिस्ट भी कर दिया गया है, जिससे कि फाइनली दोस्तों यह पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में आपको दिखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और साथ ही में दोस्तों ये रियलमी की पहली ऐसी डिवाइस होगी जिसमें आपको क्वाड कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसकी प्राइसिंग जो होने वाला है वो होने वाला है 10,000 रुपीज के अंडर, और आपको 10,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड का पहला क्वाड कैमरा का स्मार्टफोन। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6 इंच का एक HD+ का स्क्रीन, जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। आप टीजर में देख भी सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। और अगर वहीं दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग के साथ। साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एक प्लास्टिक बॉडी, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आपको एक ग्लास फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो दोस्तों रियलमी की तरफ से पहली बार आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 16 मेगापिक्सल का। और उसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और यहाँ पर एक सुपर माइक्रो लेंस और साथ ही में दोस्तों एक पोर्ट्रेट लेंस भी देखने को मिलने वाला है। बात करें इस स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 665 का चिपसेट, जैसा कि MI A3 में देखने को मिला था। तो देखते हैं दोस्तों लीक्स और रूमर्स कितना सही है, ये तो इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 4200 mAh की बैटरी। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है वूक के फ्लैश टच का सपोर्ट। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है इस स्मार्टफोन में। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ColorOS 6 का सपोर्ट, जो कि आने वाला है एंड्रॉइड पाई के साथ। और वहीं बात करें प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इस स्मार्टफोन का लॉन्चिंग रखा जाएगा 20 अगस्त को इंडिया में, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 8,999 रुपए के करीबन, जो कि होने वाला है 3 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह स्मार्टफोन हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगली वीडियो मिलेगी रियलमी 5 प्रो के बारे में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।